वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं हूं सनी जैन और मैं वेलकम करता हूं चैप्टर नंबर 2 में माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसके अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं हम सेंट्रल इकोनॉमी के बारे में। तो सेंट्रल इकोनॉमी है आपकी मेन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अगर आपके देश की, आपकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो उसकी सबसे बड़ी मेन समस्याएं क्या है, एक तो हम इसके अंदर इस चैप्टर में आपसे ये पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, अर्थव्यवस्था की समस्याएं क्या होती है, ये पढ़ने वाले हैं। उसके कारण हम पढ़ने वाले हैं, ये समस्याएं क्यों उत्पन्न होती है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, ये पढ़ेंगे हम इसके अंदर। वो कौन कौन सी समस्याएँ हैं जो आपके देश को, आपकी इकोनॉमी को तंग करती हैं, उसके बाद उन प्रॉब्लम्स की, समस्याओं का समाधान क्या है। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर है, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो आज आप इस चैप्टर को बड़ा ही इम्पोर्टेंट तरीके से समझिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक नंबर तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और एक नंबर के क्वेश्चन में सिंपल आपको सिर्फ इसमें डेफिनेशन लिखनी है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम चुनाव की समस्या है, आपके पास चुनने की समस्या है। एंड द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा इस तरीके से समझते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है सपोज अराइज होती कैसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास साधन हैं, वो तो लिमिटेड हैं, लेकिन हमारी जो इच्छाएं हैं, जो हमारी वॉन्ट्स हैं, वो हमारी अनलिमिटेड है। अब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सपोज करो मेरे बर्थडे पार्टी है, मेरा बर्थडे है और मैं उस पर पार्टी देना चाहता हूँ, और घर वाले कहते हैं बेटा जा जी ले अपनी जिंदगी, और ये आपको 1,000 रुपये पकड़ा देते हैं। अब आप उस 1,000 रुपये को देखते हो और घर वालों को देखते हो तो क्या लगेगा आपको, अरे भाई 1,000 रुपये में मैं क्या करूँगा, 1,000 रुपये में मैं दोस्तों को पार्टी दूंगा, अपने जूते खरीदूंगा, अपने कपड़े खरीदूंगा, मोबाइल खरीदूंगा, क्या चीज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास देखो रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड हुए ना, लेकिन उसे पूरी करने के लिए जो इच्छाएं हैं, जो वॉन्ट्स हैं मेरी दुनिया भर की है कि भाई पार्टी भी कर लूँ, दोस्तों को पार्टी दे दूँ, गिफ्ट कर लूँ, ये सब कुछ कर लूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास क्या चीज़ की कमी है, रिसोर्सेज की। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे चॉइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चॉइस करना पड़ेगा। चॉइस का मतलब मुझे चुनाव करना पड़ेगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें मैं कर सकता था और फिलहाल मुझे कौन सी चीज़ करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या क्या मन कर रहा था, मेरा इच्छाएँ क्या क्या थी मेरी। तो सबसे पहले मेरी इच्छाएँ थी दोस्तों के साथ पार्टी करूँ, से मेरे पास इच्छा थी कि मैं शूज़ लूँ, से मेरी इच्छा थी कि मैं नई ड्रेस लूं। लेकिन अब घर वालों ने जब 1,000 रुपये दिए, इसका मतलब मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब मुझे चॉइस करनी पड़ेगी। चॉइस का मतलब क्या, व्हाट टू बाय व्हाट नॉट टू बाय, क्या खरीदूं और क्या नहीं खरीदूं। तो भाई मुझे पता लग गया कि भाई जूते, या तो देखो ड्रेस, अच्छी ड्रेस तो अब इसके अंदर नहीं आने की। अब जो मैं बात कर रहा हूँ सिंपल की, भाई जो ड्रेस है वो तो आपके पास कंफर्म हो गया कि वो 1,000 रुपये में आपकी नहीं आएगी। तो अब आपके पास देखो दो ऑप्शन ही बचे, या तो दोस्तों के साथ पार्टी कर लो या जूते खरीद लो, 1,000 में जूते आ जाते हैं। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे चॉइस करनी पड़ रही है, ठीक है, चुनाव करना पड़ रहा है। और ये चुनाव क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पास चीज़ों की कमी है, रिसोर्सेज जो है मेरे पास वो स्कार्स है। तो यही बात वो यार डेफिनेशन में कहने की कोशिश कर रहा था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये चुनाव की समस्या है। और ये चुनाव की समस्या क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है और हमें इसीलिए कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसे ग्रैब करना पड़ता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कन्फ्रंटेड विद द स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अवर वॉन्ट्स। फिर से देखो वही बात को अलग लैंग्वेज में दोहराने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं अपने रिसोर्सेज को अपनी इच्छाओं के साथ कंपेयर करूँ तो वो हमेशा कम रहते हैं। तो इसीलिए क्या हो जाता है, कमी हो जाती है रिसोर्सेज की। और रिसोर्सेज की कमी होने के कारण ही आपको क्या करना पड़ता है, चॉइस। तो इसलिए आपकी इकोनॉमी का सेंटर थीम जो है वो है चॉइस।
तो ठीक है। पर एक बंदा हमेशा इस तरीके से अपने पैसे को खर्च करना चाहता है कि उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम हो जाए। अगर आज आप बिजनेसमैन हो, आज आपके पास 10 लाख रुपए हैं, तो आप क्या करना चाहोगे? आप अपने 10 लाख रुपए को बिजनेस में इस तरीके से लगाना चाहोगे कि प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। एक सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या चाहेगी? उससे वेलफेयर मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ पर हम तीनों चीज़ें देखो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिविजुअल लेवल पर हम हमेशा अपने गेन को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं, और सोसाइटी के लेवल पर हम वेलफेयर को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक था भाई कि क्या-क्या कारण हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम के। तो हमने यही पढ़ा, सबसे पहले कारण ही हमारी अनलिमिटेड इच्छाएं हैं। अनलिमिटेड इच्छाएं का मतलब भाई, हम इंसान की इच्छाएं का कभी अंत नहीं होता। आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी से एलन मस्क भी क्यों ना हो, लेकिन उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं भाई। मैं मंगल ग्रह तक पहुंचूं, मैं स्पेस के अंदर कुछ नया नया एक्सप्लोर करूं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा अनलिमिटेड रहती है। तो आपके पास रिसोर्सेज जो है वो हमेशा लिमिटेड होंगे, और आपकी इच्छाओं का कभी कोई अंत नहीं होगा। और रिसोर्सेज कैसे हैं हमारे पास? लिमिटेड। तो मीन्स का मतलब है यहाँ पर जो वो रिसोर्सेज की ही बातें कर रहा है। कभी वो रिसोर्सेज लिख देगा, कभी वो मींस लिख देगा, लेकिन अल्टीमेट मतलब यही है कि इच्छाएं बहुत ज़्यादा है और उसे पूरा करने के लिए जो साधन हमारे पास है वो कम है। तो मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स आर लिमिटेड। दीज गुड्स आर कॉल्ड स्कार्स बिकॉज द डिमांड इज ग्रेटर देन देयर सप्लाई। तो इनकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन इनकी सप्लाई कम है। मुझे बर्थडे पार्टी के लिए चाहिए थे 5,000 रुपये, लेकिन मुझे घर वालों ने दिए 1,000 रुपये। उसके बाद एक और समस्या भी आ जाती है अल्टरनेटिव यूजेस की। इन 1,000 रुपयों का मैं बहुत सारा अलग अलग उपयोग भी तो कर सकता हूँ ना, इसलिए मेरी समस्या और बढ़ गई। अब इस 1,000 रुपये को मैं अलग अलग तरीकों से खर्च कर सकता हूँ, और खर्च करने के कारण ही इनके अल्टरनेटिव यूज। तो लिखते हैं अनदर यूज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट कि लिमिटेड। एक तो भैया पहले ही 1,000 रुपये कम पड़ रहे थे, और उस 1,000 रुपये का भी मैं अलग अलग यूज कर सकता था। जैसे घर में मिल्क आता है, दूध मान लेते हैं, दूध आता है, तो दूध से दही, मक्खन, पनीर, घी, चाय, शेक, ये सब चीज़ें बन सकती है। लेकिन दूध जो घर के अंदर आता है वो लिमिटेड सा आता है। तो अगर सपोज किसी दिन घर में दूध कम आया है तो क्या होगा? मामा खुद नहीं पियेंगी, मुझे पिला देंगी, मेरे छोटे भाई को पिला देंगी। तो ये लिमिटेड यूज़ है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है? चॉइस। तो सेम, मेरे पॉकेट में 1,000 रुपये थे, पार्टी के अंदर मैं पैसे खर्च नहीं कर सकता था, सॉरी, मैं इस ड्रेस के ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पार्टी देना ही प्रेफर किया। डन। इसके बाद हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है कि हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी की, या कोई भी अर्थव्यवस्था हो इस दुनिया में, उसकी तीन ही मेजर प्रॉब्लम है। सबसे पहले व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, क्या बनाए। दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। और तीसरा है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। तीसरी समस्या क्या है? फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। भाई हिंदी की राइटिंग पे मत जाना, मेरी बहुत खराब है। तो इसीलिए व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, और तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। तो सबसे पहले आपकी समस्या आ जाती है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। तो हमारे पास यहाँ पर दो ही चीजें हैं जो हम बना सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। ठीक है, आज सपोज करो मैं आपसे कहूँ भाई आपके पास 10 लाख रुपए, ठीक है, ध्यान से सुनो इस बात को। आज मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूँ कि भाई आपके पास 10 लाख रुपए है और आपको एक बिजनेस ओपन करना है। तो आप किस तरीके का बिजनेस करना चाहोगे और किस बिजनेस में कितने पैसे लगाना चाहोगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मैंने कहा भाई आप खाने पीने का बिजनेस करना चाहोगे, से कंज्यूमर गुड्स का, से रेस्टोरेंट खोलना चाहोगे, या कुछ आप ऐसी मशीनें बनाना चाहोगे कि भाई जो आगे फर्दर प्रोडक्शन के अंदर काम आए। आज आपके पास 10 लाख रुपए, भाई मेरा मन तो है मैं दोनों बिजनेस कर लूँ, भाई 5 लाख रुपए इसमें लगा दूँ, 5 लाख इसमें लगा दूँ, बाई चांस एक आधे बिजनेस में नुकसान हो जाए, मैं दूसरे से उस नुकसान को कवर कर जाऊँ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसने व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो चीज़ें लिखी। क्या लिखी? एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाओ, और दूसरा हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना बनाओ।
भाई आज मैं 5-5 लाख रुपए लगा रहा हूँ मशीनों में और 5 लाख रुपए लगा रहा हूँ खाने के बिजनेस में, मुझे बाद में जाकर पता लगता है कि यार मशीन का बिजनेस इतना बढ़िया नहीं चल रहा, मशीन में 5 लाख रुपए वेस्ट हो रहे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 2-3 लाख रुपए निकाल लूंगा और इस बिजनेस के अंदर शिफ्ट कर दूंगा। तो यही चीजें और यही समस्या है वो यहाँ पर पूछने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपके पास 10 लाख रुपए तो लिमिटेड है, लेकिन आप उस 10 लाख रुपए से किस तरीके से पैसे खर्च करोगे, ये है आपकी पहली समस्या। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी इज व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस, कौन सा सामान बनाऊं जिससे लोगों की वॉन्ट्स और इच्छाओं को सेटिस्फाई कर पाऊं, कस्टमर को बढ़िया से बढ़िया सामान दे पाऊं। द प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू द फैक्ट दैट स्कार्स आर मीन्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू अवर वॉन्ट, ईच इकोनॉमी वॉन्ट्स टू मेक च्वाइस विच सेटिस्फाई एंड विच इट शुड बी फोर गो, तो कौन सा काम करूँ और कौन सा काम छोड़ दूँ, यही बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो हमारे पास दो तरह के गुड्स होते हैं, एक कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर के लिए बनाए गए गुड्स, जैसे खाने पीने का सामान मैंने कहा, तो मैं ब्रेड बटर ये सब चीज़ें बना सकता हूँ। उसके बाद दूसरा है कैपिटल गुड्स, कैपिटल का मतलब होता है जो आपके प्रोड्यूसर के काम आती है, जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आती है, जैसे ट्रैक्टर है, मशीनें हैं, दैट आर टू बी प्रोड्यूस। सिमिलरली चॉइस इज मेड बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ वॉर टाइम गुड्स, भाई अगर जैसे अब झगड़ा हो रहा है रशिया वगैरह का, तो उस टाइम के लिए सामान बनाऊं या पीस टाइम के लिए सामान बनाऊं, जब शांति हो जाएगी, जब झगड़े खत्म हो जाएंगे, उस टाइम के लिए सामान बनाऊं। तो पैसे तो लिमिटेड है, लेकिन आपको सोचना पड़ता है भाई किस टाइम पर अपने पैसे कौन से बिजनेस में लगाऊं जहां से मुझे प्रॉफिट ज्यादा हो सके। दूसरा उसके बाद डिसीजन लेना, भाई चलो आपने कहा कि कंज्यूमर गुड्स बनाते, तो कितने बनाने हैं, भाई 10 के 10 लाख के कंज्यूमर गुड्स बनाकर डाल दूं, या फिर चलो 5 लाख रुपए के कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं, 5 लाख रुपए के कैपिटल गुड्स बनाते हैं, तो ये चीज भी आपको यहाँ पर सोचनी पड़े। ये है आपकी पहली समस्या। दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन। मेरे पास यहाँ पर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बातें कर रहा है, सामान को कैसे बनाऊं। ठीक भाई, मैंने कहा चलो कपड़ा बनाते हैं, चलो शर्ट बनाते हैं, तो शर्ट बनाने के दो तरीके, या तो टेलर उसे स्टिच करेगा या तो मशीनें उसे स्टिच करेंगी। टेलर उसे स्टिच करेगा यानी मैं आदमी से काम करवा रहा हूँ, तो इसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब मैं दर्जी लगाऊंगा, टेलर लगाऊंगा, तो मशीनें ऑटोमेटिक मशीनें कम लगाऊंगा, और अगर मैं मशीनों से काम कराऊंगा तो टेलर नहीं लगाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे पास कहता है द सेकंड मेन प्रॉब्लम कि भाई मैं किस तरीके से प्रोडक्शन करूँ, किससे काम कराऊँ, कैसे काम कराऊँ, तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे सामान को बनाओ। तो सबसे पहले मेरे पास दो तरह की टेक्निक है। कौन सी दो तरह की टेक्निक है? एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर ज़्यादा कैपिटल कम, लेबर ज़्यादा मशीनें कम, तो अंडर दिस टेक्निक लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल। दूसरी वाली टेक्निक क्या कहती है? दूसरी वाली टेक्निक कहती है दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहती है भैया कैपिटल ज़्यादा लेबर कम, मशीनें ज़्यादा लेबर कम। ओके तो अब इसमें मुझे साफ साफ समझ में आ गया होगा कि अगर मैं मशीनें ज़्यादा लगाऊंगा तो स्पीड से काम होगा, तेजी से काम होगा, मैं लेबर से काम कराऊंगा तो लेबर से काम, लेबर स्लो स्लो काम करती है, जहाँ मशीन एक दिन में 1000 शर्ट सील देगी, वहाँ पर टेलर एक दिन के अंदर 10 शर्ट से ऊपर सील नहीं पाएगा, यही एक बहुत भारी समस्या है। तीसरी हमारी जो समस्या आ जाती है दैट इज फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊँ, किसके लिए बनाऊं। तो हमारे पास दो ही क्राइटेरिया है भैया, एक तो रिच आदमी और एक पुअर, एक गरीब व्यक्ति। तो जो प्राइवेट कंपनियां होंगी, जो प्राइवेट कंपनियां होंगी वो हमेशा रिच के लिए सामान बनाएंगी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करती है। लेकिन जो सरकारी कंपनियां होंगी, जो सरकार के अंडर जिसे हम पब्लिक कंपनीज भी कहते हैं, वो हमेशा गुड्स बनाएंगी किसके लिए, पुअर पीपल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर होम टू प्रोड्यूस, भाई किसके लिए सामान बनाऊँ, रिच के लिए या पुअर के लिए। तो हमेशा रिच वाला जो होगा उसके प्राइसेस ज़्यादा होंगे, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्राइवेट कंपनियाँ हमेशा इस तरह की चीज़ें बनाना चाहेगी। इसमें एक चीज़ और हम लिख सकते हैं इक्वालिटी के बारे में, अगर इक्वालिटी होगी यानी कि कोई अमीर और गरीब नहीं होगा,
कोई अमीर और गरीब नहीं होगा तो हमें सामान बनाने में आसानी, सबके लिए एक जैसा सामान बनेगा। लेकिन अगर अमीरी और गरीबी का गैप ज़्यादा होगा तो प्राइवेट कंपनी हमेशा रिच के लिए सामान बनाएंगी, गरीब आदमी भूखा मर जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है इसका। कुछ दो चार चीज़ें और भी हैं, मेन जो आपकी समस्याएं थी वो तीन ही थी, दो समस्याएं हमने एड ऑन पढ़ लेते हैं। देखो एड ऑन प्रॉब्लम्स लिख रखा है, हाउ टू यूज़ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुलर यूटिलाइजेशन का मतलब है अपने रिसोर्सेज का पूर्णतया प्रयोग कैसे करूं। ठीक है, आज सपोज करो भाई मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास से एक मशीन है, ठीक है, ये 1000 शर्ट्स बना सकती है, 1000 शर्ट्स बना सकती है एक दिन में। मैं इसके ऊपर अगर 1000 शर्ट्स बना रहा हूँ, एक दिन में 1000 बना सकती थी उतनी ही शर्ट बना रहा हूँ, यानी एक बंदा जितना काम मैक्सिमम कर सकता था उससे उतना ही काम करा रहा हूँ, तो इससे हम कहते हैं फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यानी आपके रिसोर्सेज जितना काम कर सकते थे हमने उनसे उतना ही काम कराया। लेकिन इसकी एक दूसरी भी परिभाषा है, क्या कहता है, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन। आप 1000 पीस बना सकते थे लेकिन आप अभी 800 पीस बना रहे हो, तो कैसे मैं इस 800 पीस से 1000 पीस तक पहुंचूं, ये है हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन। तो आपकी एक्चुअल आउटपुट तो है 800 शर्ट और आप बना सकते थे कितनी आउटपुट, 1000 शर्ट। तो यहाँ पर हम यही बातें कर रहे हैं, पोटेंशियल मेरी क्षमता तो है 1000 शर्ट बनाने की, लेकिन मैं बना रहा हूँ 800 शर्ट, अपनी क्षमता से कम काम कर रहा हूँ। इसे हम कहते हैं अपनी भाषा में अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी आप रिसोर्सेज का पूर्णतया प्रयोग नहीं कर रहे। क्लियर है मेरी बात? इसलिए पोटेंशियल आउटपुट का मतलब क्या लिखा, मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। और हमारी कोशिश हमेशा एक और रहती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो हमेशा बढ़ते रहें, हमेशा हमें अपनी, जैसे एक बंदा इनकम बढ़ाने की बात करता है, बिजनेस में कैपिटल बढ़ाने की बात करता है, तो हमेशा अपने रिसोर्सेज को हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इच्छाओं को, ज़्यादा से ज़्यादा वांट्स को पूरा कर सकें। इसके बाद आपके पास आ जाता है सॉल्यूशन टू द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब फिर से अर्थव्यवस्थाएं। हमारे पास तीन तरह की इकोनॉमी होती है, अगर मैं इसे हिंदी भाषा में समझाऊं तो एक होती है आपके पास प्राइवेट अर्थव्यवस्था, जहां पर सारा का सारा काम प्राइवेट लोग करते हैं, सारी की सारी कंपनियों के डिसीजन प्राइवेट लोग लेते हैं। दूसरी हमारे पास होती है सरकारी अर्थव्यवस्था, जिसे हम पब्लिक कंपनी भी कह सकते हैं। पब्लिक यहाँ पर सारे का सारा काम गवर्नमेंट करती है, हर चीज़ के डिसीजन गवर्नमेंट लेती है। और तीसरा होता है इनका भाईचारा, यानी कि दोनों मिलकर काम करती हैं। तो लिखता है सबसे पहले मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी आपकी प्राइवेट इकोनॉमी। अगर हम प्राइवेट इकोनॉमी की बात करें तो सारे के सारे डिसीजन जो है वो कभी भी सरकार नहीं लेती, कौन लेता है यहाँ पर, मार्केट फोर्सेस, बाजार की ताकतें, मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन सी होती है, डिमांड और सप्लाई। देखो इसको ऐसे समझाता हूँ, जैसे सपोज करो मास्क, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो मास्क 5 रुपए का था, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन में डिमांड बढ़ी तो वैसे ही वो 5 रुपए का मास्क 50 रुपए का बिकना शुरू हो गया। तो बाजार की ताकतों ने प्राइस को खींचकर अपनी तरफ ऊपर उठा लिया। तो यहाँ पर भी हम यही बात कह रहे हैं, प्राइवेट वालों को फायदा हो रहा था, प्राइवेट वाले उस प्राइस को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे थे। तो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, फ्री इकोनॉमी होती है। नाम याद कर लेना अलग अलग, मार्केट इकोनॉमी होती है फ्री इकोनॉमी, इट मींस प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड। प्रोड्यूसर अपनी मर्जी के मालिक है, गवर्नमेंट की वो कोई बात नहीं सुनेंगे, वो हमेशा अपनी मर्जी से काम करेंगे, ऑन व्हाट बेसिस दे टेक देयर डिसीजन। तो हमेशा वो अपनी मर्जी के मालिक है, तो उनको क्या चीज डिसीजन कैसे लेना है, यहाँ पर हम हमेशा मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिसीजन लेते हैं। प्रोड्यूसर हमेशा इस तरीके से काम करेगा जिससे उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो सके, तो हमेशा वो प्राइसेस यहाँ पर ज़्यादा रखने की कोशिश करेगा ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सके। डन। तो मार्केट इकोनॉमी में सारे डिसीजन प्राइवेट कंपनी लेगी, मार्केट फोर्सेस लेगी, गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा।
इसके बाद आपके पास आ जाता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। नाम से ही पता लग रहा है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान, सेंटर ही सारी प्लानिंग करेगा, यानी कि सारी की सारी प्लानिंग यहाँ पर गवर्नमेंट करती है, प्राइवेट लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता। प्राइस डिसाइड करने का काम, प्राइस कितना होगा, कितना सामान बिकेगा, कौन सा सामान बिकेगा, हर चीज का डिसीजन यहाँ पर सरकार लेती है। तो सेंट्रली अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, ऑल द डिसीजन आर टेकन विद द मैक्सिमम वेलफेयर। अब सरकार काम करेगी तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती, वो हमेशा किस चीज के लिए काम करेगी, वो हमेशा वेलफेयर के लिए काम करेगी। उसके बाद यहाँ पर हम टेक्निक की बात करें तो यहाँ पर हम हमेशा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेंगे। क्यों लेबर इंटेंसिव यूज करेंगे? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है वेलफेयर, वेलफेयर आएगा नौकरियों से, और नौकरी देना है तो मुझे लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना ही करना पड़ेगा। सोशली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी हमेशा कौन से लोगों के लिए सामान बनाएगी, रिच के लिए या पुअर के लिए? देखो समस्याएं बता रहा हूँ और वो सोल्व कर रही, और हमेशा यहाँ पर फ्री फ्रॉम हंगर और स्टारवेशन, यहाँ पर आपको कभी भी सरकार भूखा मरने नहीं देगी, हमेशा यहाँ पर पुअर लोगों के लिए सामान बनाया जाएगा। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर दोनों की दोनों इकोनॉमी होगी, और इंडिया भी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। कुछ चीज़ें प्राइवेट सेक्टर बनाता है और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट सेक्टर सोशल वेलफेयर के लिए काम करता है, तो इसलिए हमने इन दोनों के ऊपर कंबाइन कर दिया। इसके बाद आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो नाम से ही इसकी जो है वो सारी विशेषताएं आपको पता लग जाएगी। सबसे पहले बात कर रहा है प्रोडक्शन की, तो सामान बनाने के लिए क्या क्या हमारे पास संभावनाएं हैं उसे हम कर्व के रूप में, ग्राफ के रूप में समझाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुना देता हूँ ताकि आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। सपोज करो मेरे पास एक जमीन है, लैंड का टुकड़ा है, इसके ऊपर मैं गेहूं वीट उगाता हूँ, ठीक है, गेहूं उगाता हूँ। अब ध्यान से समझो कि भाई मैं सपोज करो इसके ऊपर मैंने सारे का सारा पैसा जो है 10 के 10 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर वीट की खेती में लगा दी, ठीक है, मैं 2-4-5 सालों से ये काम भी कर रहा हूँ। अब मेरा दोस्त मेरे पास भागा भागा गया, अरे यार तू कहाँ लगा हुआ, तुझे तो गेहूं की जगह चावल उगाने चाहिए, राइस उगाने चाहिए, बहुत माल है इसमें, तो क्या होगा? क्या मैं चलता हुआ बिजनेस एक रात में बंद कर दूं? नहीं, मैं कहूँगा चल ठीक है भाई तेरी बात मैं बड़ी करता हूँ, मैं सारे का सारा इस जमीन के ऊपर अभी चावल नहीं उगाऊंगा, चलो एक छोटा सा किनारा ले लेते हैं, चलो एक छोटा सा किनारा ले लेते हैं इस जमीन का, थोड़े से पैसे यहाँ पर लगा देते हैं, से 1 लाख रुपये स्टार्टिंग में लगा कर देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टार्टिंग में देखो 10 के 10 लाख वीट में लगा रखे थे, बात को समझे, सारे 10 के 10 लाख रुपए मैंने वीट में लगा रखे थे और मेरे पास राइस की प्रोडक्शन थी 0। दोस्त आया तो मैंने 10 लाख की जगह 1 लाख रुपए कम कर दिए, यहाँ 9 लाख रह गए और हमने थोड़ा सा अपनी यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करी। तो देखो 10 लाख 9 लाख मत समझना, मैं ये समझो कि भाई 10 यूनिट बना रहा था मैं गेहूं की, 10 साल से काम कर रहा था तो मैं परफेक्ट हो चुका था उस काम में, तो चलता काम मैं अचानक से बंद नहीं कर सकता, ठीक है भाई। अब बोला ठीक है भाई चलो मान ली, तो तूने, अब मुझे पता लगा भाई राइस के काम में बहुत बढ़िया मार्जिन चल रहा है, अभी भी मैं पूरा बिजनेस बंद नहीं करूंगा। पिछली बार 2 लाख रुपए निकाले, सॉरी 1 लाख रुपए निकाले थे, इस बार मैं चलो यार भाई की बात अच्छी लगी थी, अब पर 2 लाख निकाल देते। 2 लाख यहाँ से निकले या थोड़ी सी जगह ज्यादा निकली या हमने थोड़ा ज्यादा आउटपुट उसका कम कर दिया, लेकिन अब क्या मैं राइस के बिजनेस में तो नया नया हूँ ना, तो नया नया हूँ तो धीरे धीरे तरक्की करूँगा ना, मेरी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ेगी ना। तो देखो राइस में क्या हो रहा है, मेरी प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पर सोचने की है। तो पहली बार मैंने कितने रुपये का नुकसान किया, कितने रुपये का लॉस किया, 1 लाख रुपये का, और गेन भी यहाँ पर 1 लाख यूनिट्स का। अब ध्यान देने वाली बात, यहाँ पर मैंने थोड़ी सी जमीन और दे दी, मैंने सपोज करो 2 यूनिट की प्रोडक्शन का नुकसान किया और यहाँ पर भी मेरी 1 प्रोडक्शन बढ़ी। गेहूं में मैं परफेक्ट था तो मैं कम पैसे में ज्यादा काम कर पा रहा था,
ज्यादा सामान उगा पा रहा था। राइस में, गेहूं में की जगह में चावल में अभी नया नया हूं, इसलिए मेरी प्रोडक्शन कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रही है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा ज्यादा जमीन ले लूंगा, थोड़ी सी ज्यादा जमीन इसके अंदर मैं अब राइस को दूंगा। तो यहाँ आने के पहले मैंने 2 लाख या 2 यूनिट निकाली थी, 2 यूनिट कम करी थी, इसके बाद ही अब मैं आपको यहाँ पर इससे ज्यादा यूनिट कम करने की कोशिश करूँगा। तो मैं अगली बार 3 यूनिट कम हो जाएंगी, मुझे बिजनेस अच्छा लगता जा रहा है, तो धीरे धीरे मैं ज्यादा पैसे उसमें से निकालता जा रहा हूँ। एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं वीट का बिजनेस बंद कर दूंगा और राइस के बिजनेस पर शिफ्ट हो जाऊं। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों किया, वीट का बिजनेस बंद क्यों किया राइस के बिजनेस को करने के लिए? भाई मेरे पास कैपिटल जो है, पूंजी तो मेरे पास 10 लाख रुपए ही है ना। मैं 10 लाख को दो काम करूंगा तो एक काम में पूंजी कम करूंगा तभी तो दूसरे में लगाऊंगा ना। यही स्टोरी मैं आपको यहां समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो हमने क्या चीज पढ़ी यहाँ पर, अब मैं थोड़ा सा आपको एक बार इस टेबल को अच्छे से मॉडिफाई करके समझा दूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। तो सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पर से वीट, और दूसरी बात करी हमने यहाँ पर राइस से। मैं 10 यूनिट प्रोडक्शन करता था वीट की, तो मेरी राइस की प्रोडक्शन थी 0। मैंने वीट की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम की, पहली बार 1 यूनिट कम की, राइस में धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया। तो इसके बाद मैंने क्या किया, भाई मुझे राइस की प्रोडक्शन करना बड़ा अच्छा लगा, प्रोडक्शन करना बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने थोड़े और जगह किसको दी, थोड़ी और जगह मैंने दी राइस को। तो इसलिए मैंने यहाँ से थोड़ा और प्रोडक्शन कम की, पहली बार 1 यूनिट की प्रोडक्शन कम की थी, उसके बाद 2 यूनिट की प्रोडक्शन कम करी, उसके बाद 3 यूनिट की प्रोडक्शन कम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका धीरे धीरे बढ़ूंगा क्योंकि मैं राइस के बिजनेस में नया हूँ, मुझे अभी ज्ञान नहीं है, मेरी प्रोडक्शन धीरे धीरे करके तेजी से बढ़ेगी, अभी मैं इसे कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही अगली बार एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि जब मैं राइस के बाद सॉरी वीट के प्रोडक्शन को बंद कर दूंगा और राइस की प्रोडक्शन में ही सारा का सारा सामान शिफ्ट कर दूंगा। तो यही चीज हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलती है, इसे हम क्या कहेंगे यहाँ पर, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, राइस की अपॉर्चुनिटी लेने के लिए, राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपने कहाँ पर नुकसान उठाया? आपने वीट की प्रोडक्शन में नुकसान उठाया। स्टार्टिंग में आपके पास 1 ही यूनिट का नुकसान हो रहा था, फिर 2 यूनिट का नुकसान हुआ, फिर 3 यूनिट का नुकसान हुआ, आखिरी में तो भाई आखिरी में तो आपने फैक्ट्री ही बंद कर दी, आखिरी में तो आपने फैक्ट्री ही बंद कर दी। कब? जब आपने 4 की 4 यूनिट अपने बिजनेस में से निकाल ली। तो यही बात यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा इंक्रीज करती जाती है, इस कंसेप्ट में हमेशा लॉस जो है वो इंक्रीज करेगा, इस कंसेप्ट में स्टार्टिंग में जब आप राइस की प्रोडक्शन में नए हो। तो स्टार्टिंग में आपको फिर से समझा दिया कि भाई वीट मैंने पहले थोड़ा सा प्रोडक्शन कम करी, चल भाई राइस का काम करके देखते हैं, अच्छा लगा तो थोड़ी ज्यादा पैसे निकाले और राइस में लगाए, फिर और ज्यादा पैसे निकाले राइस में लगाए। एक टाइम ऐसा आया कि वीट की प्रोडक्शन कम हो गई, 0 कर दी और सारा पैसा राइस की तरफ शिफ्ट कर दिया। यही है इसका मतलब। तो लिखता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कॉम्बिनेशन अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज मेरे पास क्या थे? 10 लाख रुपए थे ना मेरे पास गिवन रिसोर्सेज। एज मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन, तो लिखता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इज ए कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज। गिवन रिसोर्सेज मेरे पास थे 10 लाख रुपए एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो हमेशा यहाँ पर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी चेंज नहीं होती, और हम हमेशा अपने गिवन रिसोर्सेज के साथ अपने प्रोडक्शन को मैक्सिमम करने की कोशिश करते हैं।
इसी के नाम याद करना बहुत जरूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कहते हैं पीपीसी को, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। तो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है, व्हाट इज मीन्ड बाय पीपीसी कर्व, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। तो ये नाम याद रखने बहुत जरूरी है, डन है। उसके बाद डेफिनेशन हमने पढ़ी ली, यहाँ पर क्या क्या चीजें हमने कॉन्स्टेंट मान ली, कि हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो गिवन है, कि भैया आपके पास कितने पैसे, गिवन रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली यूज्ड, हम उसका पूरा यूज कर रहे हैं, 10 लाख के 10 लाख रुपए यूज कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी जो है वो भी कॉन्स्टेंट है। तो इट इज अ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट आर प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज, ओके। इसके बाद ये टेबल हमने देखो समझ ही ली, मैंने 10 लिया था, यहाँ इसने 90 ले रखा, बस और कोई फर्क नहीं है। 100 से 90 पर जा रहा हूँ तो सबसे पहले 10 यूनिट का नुकसान हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कितनी यूनिट का नुकसान हो रहा है, से 20 यूनिट का, उसके बाद 30 यूनिट्स का, और उसके बाद 40 यूनिट्स का। गेन की बात करूं तो यहाँ पर 1 यूनिट का गेन, फिर से 1 यूनिट का गेन, फिर से 1 यूनिट का गेन, और फिर से 1 यूनिट का गेन। डन होगी मेरी बात? तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि धीरे धीरे जब मैं वीट के बिजनेस से पैसे निकालता जाऊंगा, यहाँ पर इसने क्लोथ ले रखा है, मैं चाहूँ तो यहाँ पर समझने के लिए फिर से राइस भी ले सकता हूँ। तो वीट के बिजनेस में पैसे धीरे धीरे करके वो कम करता जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वीट का बिजनेस जो है वो जीरो हो जाएगा, सारे के सारे पैसे मैं राइस के बिजनेस में लगा दूँ। तो सबसे पहले देखो, अब मैं इस डायग्राम को प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। जिस भी चीज़ में आपको लॉस हो रहा है, जिस भी चीज़ में आपको लॉस हो रहा है, वो तो आपको रखनी है वाई एक्सिस पे। जिस भी चीज़ में आपको गेन हो रहा है वो आपको रखनी है एक्स एक्सिस पे। तो हमें लॉस किसके अंदर हो रहा था? लॉस हो रहा था हमें वीट के अंदर, तो इसलिए लॉस वाली चीज़ को हमने रखा है यहाँ पर। और मैं किसकी प्रोडक्शन बढ़ा रहा था? राइस की, तो इसको हमने रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा था, इसे ध्यान से समझो। मैं इस पॉइंट पर था, इस पॉइंट पर होने का मतलब क्या है, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ। ए पॉइंट पर होने का मतलब क्या था, कि मेरी राइस की प्रोडक्शन तो जीरो थी, और मेरी राइस की प्रोडक्शन तो जीरो थी, और मैं हमेशा सारा का सारा पैसा वीट में लगा रहा था। स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा इस पॉइंट से क्या हुआ, चल भाई वीट की प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम करते, राइस की प्रोडक्शन को थोड़ा सा बढ़ाते, तो हमारे पास हमने कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनाया, ठीक है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने क्या कहा, वीट की प्रोडक्शन को थोड़ा सा और कम कर देते हैं, थोड़ी सी प्रोडक्शन राइस की बढ़ाने के लिए। फिर आखिरी में मैंने क्या किया, वीट की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा कम किया। तो यही चीज मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं इस पॉइंट को जोड़ दूंगा तो ये लो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले बुक के डायग्राम में देखते हैं, देखो ये रहा, सबसे पहले कम लॉस हो रहा है, फिर ज्यादा लॉस, फिर उससे ज्यादा लॉस, और आखिरी में सबसे ज्यादा। डन हो गया मेरे बात? तो हमेशा यहाँ पर जो ट्राइंगल्स हैं वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। क्यों बढ़ते हुए दिखाई देंगे? क्योंकि हमारा लॉस जो है वो बढ़ रहा है, या मैं इसे अपनी भाषा में कह सकता हूँ, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है, लॉस मेरा इंक्रीज कर रहा है, इसलिए हर बार ट्राइंगल पिछले वाले ट्राइंगल से बड़ा है। हर बार मैं वीट में से ज़्यादा पैसे निकाल रहा हूँ राइस की यूनिट को बढ़ाने के। डन मेरी बात? उसके बाद अटेनेबल कॉम्बिनेशन और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। देखो भाई, ये अपना पीपीसी कर्व है, ये कर्व आपका पीपीसी कर्व है। मैंने कहा भाई पीपीसी कर्व मेरी मैक्सिमम प्रोडक्शन को दिखाता है। तो कोई कंपनी ने मुझे प्रोजेक्ट दिया से 15 लाख रुपए का, भाई मेरे पास तो 10 लाख रुपए हैं, तो मैं सिर्फ 10 लाख तक का ही काम कर सकता हूँ, तो मैं इस पीपीसी तक का ही काम कर सकता हूँ। इससे बाहर जो भी आउटपुट होगा वो अपनी औकात से बाहर है, हमें उस चीज को कंसीडर नहीं करना। इसके बाद शिफ्टिंग और रोटेशन की बात करें, शिफ्टिंग होती है जब मैं दोनों के दोनों पॉइंट छोड़कर आगे की साइड शिफ्ट हो जाता हूँ, या पीछे की साइड शिफ्ट हो जाता हूँ।
जब मैं दोनों पॉइंट यानी एक्स एक्सिस वाले पॉइंट और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को छोड़कर आगे या पीछे की तरफ हो जाता हूँ तो इसे शिफ्ट कहते हैं। दोनों में से अगर एक पॉइंट भी अपनी जगह पर चिपका हुआ है, दोनों में से अगर एक पॉइंट भी अपनी जगह पर चिपका हुआ है तो उसे शिफ्टिंग की जगह हम कहते हैं रोटेशन। ओके, तो यही बात वो यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा। रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, कह रहे ना सबसे पहले रिसोर्स यानी मेरे पास 10 लाख थे, 12 लाख हो गए, तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर मेरे पास रिसोर्सेज कम हो गए तो प्रोडक्शन पिछली साइड चली जाएगी और कम हो जाएगी, इसे शिफ्टिंग कहते हैं। टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी सिर्फ गुड्स एक्स में आई है। देखो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, पहले वाला पीपीसी है मेरा कुछ इस तरीके का, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी गुड्स एक्स में आई है तो गुड्स एक्स की प्रोडक्शन ही बढ़ेगी। तो इसे हम रोटेशन कहेंगे। ओके, तो लिखता है देखो, अकॉर्डिंग पीपीटी विल रोटेट नॉट शिफ्ट, डन हो गया। इसके बाद एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर गुड्स वाई में आई तो गुड्स वाई की प्रोडक्शन बढ़ेगी, और अगर दोनों में आ गई तब ये शिफ्ट हो जाएगा राइट से। टू बेसिक असम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एक नंबर का क्वेश्चन है कि भैया आपके पीपीसी कर्व की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स शो करती है। तो सबसे पहले है पीपीसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड। भैया स्लोप डाउनवर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने क्या दिखाया था, वीट दिखाया था जिसके अंदर मुझे लॉस हो रहा था, और यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था राइस जिसके अंदर मुझे गेन हो रहा था। इसका मतलब क्या है स्लोप डाउनवर्ड का, स्लोप डाउनवर्ड का मतलब है मैं ऊपर से नीचे की ओर आ रहा हूँ और लेफ्ट से राइट की साइड जा रहा हूँ। भाई बिल्कुल ठीक, मैं राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे वीट की प्रोडक्शन को कम करना पड़ रहा है, यही बात मैं यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लिख रहा है इट इज स्लोप डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। मैं इस पॉइंट से किस पॉइंट पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, नीचे वाले पॉइंट पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है तो एक चीज़ की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। तो यही बात वो यहाँ लिखेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट इज़ बिकॉज इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन, प्रोडक्ट ऑफ दोनों गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज, दोनों की प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकती। गुड्स एक्स की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वीट की प्रोडक्शन को, गुड्स वाई की प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, डन हो गया। उसके बाद कनकेव टू द ओरिजिन का मतलब सिंपल है, यहाँ पर जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे पॉइंट पर आता जाऊँगा मेरा लॉस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, लॉस जो है वो बढ़ता जाएगा, और जब लॉस बढ़ता जाएगा, जब लॉस इंक्रीज होता जाएगा तो इसका मतलब होता है दैट इज कनकेव टू द ओरिजिन। तो लिखता है इट इज बिकॉज प्रोड्यूसिंग ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स, ज्यादा से ज्यादा यूनिट मुझे वाई की सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो हर बार ज्यादा आ जाती है, लॉस हर बार ज्यादा आ जाता है, इसीलिए यहाँ पर आपको लॉस ज्यादा बियर करना पड़ता है, इसलिए वो कनकेव है। तो आप यहाँ पर सिंपल लिख सकते हो गुड्स एक्स की प्रोडक्शन के लिए गुड्स वाई को कम करना पड़ता है, हर बार मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, इतनी एक्सप्लेनेशन मोर देन सफिशियंट है इसके लिए, डन। उसके बाद पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, भाई पीपीसी आपको बता रहा है क्या बताऊं, एक साइड कंज्यूमर गुड्स लिख दो, एक साइड कैपिटल गुड्स लिख दो, दोनों की प्रोडक्शन में से जिसकी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी वो। तो पीपीसी क्या कहता है, भाई आप कभी भी अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो तो आपको एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरी चीज को घटाना बहुत जरूरी है। उसके बाद यही बात हम कर रहे हैं यहाँ पर आपके, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, तो हमेशा इस तरीके से प्रोड्यूस करना चाहिए कि हम पीपीसी की मैक्सिमम आउटपुट तक पहुँच सके। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करो या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करो, फर्क पड़ता है सिर्फ एक ही बात से, आप अपने रिसोर्सिस का फुल यूटिलाइजेशन करो, अंडर यूटिलाइजेशन कभी भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाओ, भाई अगर जो इकोनॉमी है वो अमीर लोगों के लिए होगी, अगर एक देश अमीर लोगों के लिए सामान बनाएगा तो वो देश जल्दी तरक्की करेगा,
क्यों जल्दी तरक्की करेगा, ज़्यादा पैसा बिजनेस में लगेगा, ज़्यादा प्रॉफिट आएगा, नए नए बिजनेस खुलेंगे, तो ये सब चीज़ें, तो आपकी पीपीसी जो है वो तेज़ी से बढ़ेगी। उसके बाद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमेशा मुझे कोशिश करते रहना चाहिए कि रिसोर्सेज कभी भी अंडर यूटिलाइज ना हो, वो हमेशा पीपीसी कर्व पर लाई करें, और यही इसकी सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, हमेशा आपको कोशिश करते रहना चाहिए कि आपके रिसोर्सेज बढ़ते रहें, और जब भी आपके रिसोर्सेज बढ़ते रहेंगे तो वो हमेशा राइट साइड, सीधी साइड की तरफ शिफ्ट होते रहेंगे। इसके बाद आपके पास एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। से मेरे पास तीन जॉब की ऑफर है, ए बी और सी। ए ऑफर देता है 10,000 का, बी ऑफर देता है 15,000 का, और सी ऑफर देती है आपको 22,000। तो आप कौन सी जॉब करोगे? हम करेंगे भैया सिंपल, सोचो कौन सी जॉब, 22,000 वाली जॉब। इसके लिए मैंने कौन सी जॉब को छोड़ा, ए वाली जॉब को छोड़ा या बी वाली जॉब को छोड़ा, 10,000 वाली नौकरी को छोड़ा 22 की नौकरी करने के लिए, या 15 वाली नौकरी को छोड़ा? तो आंसर है इसका 15 वाली नौकरी। क्यों है? क्योंकि भाई अगर मुझे 22 की नौकरी नहीं मिलती, अगर मुझे 22 की नौकरी नहीं मिलती तो मैं कौन सी नौकरी करता, 15 की। तो यही बात। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ अ फैक्टर ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज। किसी चीज़ को गेन करने के लिए जो चीज़ आपने छोड़ दी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। 22 की नौकरी करने के लिए 15 की नौकरी छोड़ दी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 15,000 है। डन मेरी बात? देखो, यूज वन प्रोडक्शन ऑफ वेट, उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ मेज और प्रोडक्शन ऑफ शुगर के। तो सबसे पहले आपको यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट किस में दिखाई दे रहा है, यूनिट यूज फोर में, और उसके बाद दूसरे नंबर का बेनिफिट दिखाई दे रहा है किस में, यूज वन में। तो यूज फोर आप अडॉप्ट करोगे और यूज वन को आप छोड़ दोगे, तो क्या लिखता है वो देखो। ऑब्वियसली रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड इन यूज फोर, हमेशा मैं सबसे ज्यादा पैसे किस में लगाऊंगा, यूज फोर में, सबसे ज्यादा प्रॉफिट वहीं हो रहा है। और उसके लिए मैंने किस चीज को छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया 10,000 वाले काम को, 10,000 वाली चीज को। तो यही है आपका यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसके बाद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ नहीं है, मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सिंपल है कि ये चेंज शो करता है। क्या शो करता है? चेंज शो करता है। तो कैसे? जो टेबल मैंने बनवाई थी वही टेबल याद रखेंगे, आपको एक ही बारी में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैंने पहले लिखा था जैसे वीट 10,97, उसके बाद 4 और फिर 0, और ऐसे ही मैंने राइस वाली टेबल बनाई थी 0, 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला, सिंपल सिंपल है, लॉस बाय गेन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला है सिंपल सिंपल, लॉस बाय गेन। लॉस किस में हो रहा है आपको? वीट में, डेल्टा वीट डिवाइडेड बाय। गेन किस में हो रहा था आपको? राइस में, डेल्टा राइस। और सिंपल, वीट को आपने कहाँ लिखा? वाई एक्सिस पे, तो डेल्टा वाई। प्राइस को कहाँ लिखा? एक्स एक्सिस पे, डेल्टा एक्स। तो यही चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आप कैसे निकालेंगे? मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में साइड में ही कॉलम बना देता हूँ, एमओसी। तो सबसे पहले आपको लॉस कितने यूनिट का हो रहा है जब आप ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन पर जा रहे हो। सोच, ए कॉम्बिनेशन से बी कॉम्बिनेशन पर जा रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है एक यूनिट का और गेन हो रहा है एक यूनिट का, 1/1। उसके बाद जब मैं दूसरा बी से सी कॉम्बिनेशन पर जा रहा हूं तो मुझे 2 यूनिट का नुकसान हो रहा है, 1 यूनिट का फायदा हो रहा है। मैं तीसरी बात करूं तो यहां पर जब मैं सी से डी ऑप्शन पर जा रहा हूं तो मुझे 3 यूनिट का नुकसान हो रहा है, 1 यूनिट का गेन हो रहा है। और जब मैं डी से ई ऑप्शन पर जा रहा हूं तो मुझे 4 यूनिट का नुकसान हो रहा है और 1 यूनिट का गेन हो रहा है। गेन ये रहा बीच का डिफरेंस, ठीक है। तो यही बात हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ रेशियो बिटवीन डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। तो वो लिखता है कि मार्जिनल कॉस्ट इज द रेट एट विच आउटपुट वन इज लॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट टू।
तो आउटपुट 2 यानी राइस को बनाने के लिए जितनी भी एडिशनल यूनिट मैंने व्हीट की छोड़ दी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इतना ही याद रखना है इसके अंदर। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा यहाँ पर बढ़ती रहती है। मैंने कहा कि हमेशा पीपीसी कर्व में आपका लॉस बढ़ता रहेगा, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती रहेगी। देखो वही फॉर्मूला जो अभी अभी हमने करा, डेल्टा लॉस बाय डेल्टा गेन। ओके, इसके बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके अंदर ऐसी कोई नई चीज नहीं बचती जो मुझे करानी हो। फिर भी आपको लगता हो कि कोई टॉपिक रह गया है या कोई टॉपिक आपको दोबारा से समझना है, तो काइंडली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू।